मैं जब आज घर से मेट्रो में दिल्ली आपकी कैंपस में आ रहा था, एक बच्ची मेरे को रास्ते में मिली। मैं पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? बोले, मैं जा रहा हूं सिविल लाइन। बोले, तो सिविल लाइन तो स्टेशन चला गया। बोले, नहीं मैं आपके साथ एंड तक जाऊंगा। थोड़ा गपशप होने के लिए अवसर मेरे को मिला। आप जैसे कहीं एक इंस्टीट्यूट में यूजी पढ़ने वाली बच्ची थी, मध्यवर्गीय परिवार की बच्ची थी, क्रिकेट खेलती है, कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। मैंने पूछा कि आपकी पॉकेट मनी कितनी है? पहले थोड़ा संकोच की, पहले हिसाब दे दिया, 4000 तो मेट्रो में चली जाती है, बताने नहीं चाहती। थोड़ा मैंने और पूछा, कितना खर्चा करते हो? बोला, 8000। कल नहीं, इतना नहीं करता हूं। मेरे मन में संतोष आया कि हमारी देश की नई पीढ़ी जिम्मेवार है, अपने रिसोर्स के बारे में वो केयरफुल है। अमाउंट से मेरा कंसर्न नहीं था, मैं इंस्पायर था, मैं उत्साहित था उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। मैं इतना नहीं खर्चा करता हूं, मैं मिडिल क्लास की बच्ची हूं और कॉन्फिडेंट थी। मैं आगे पूछा, कहां रहना चाहोगे? थी उत्तराखंड की। मैंने पूछा उनको, बेटा कहां रहना पसंद करते हो, गांव में या दिल्ली में? मैं उसकी उत्तर सुन के आपके मन की उत्तर से मैं खुद को जोड़ता हूं। उन्होंने कहा, दोनों जगह पे नहीं। तो कहां रहना चाहते हो? बोला, जहां पॉल्यूशन कम होगा और जहां सुविधाएं होंगी। गांव में सुविधा नहीं है, शहर में पॉल्यूशन है। मैंने उसकी आंखों में एक नया दुनिया की जगह का नाम लिया उन्होंने। मैं रानीखेत में रहना चाहूंगा, नैनीताल में रहना चाहूंगा। मैं इसीलिए आपके सामने इस कहानी को बताया कि आज नई पीढ़ी में मेरे को उसी उम्र में कोई पूछता तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली उत्तर नहीं दे पाता। आज भारत की लड़की, और हमें तो कहा गया और ये दिखती भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत की मॉडल को वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कहते हैं। ये भी तो वुमेन लेड, फैकल्टी में ज्यादा मातृशक्ति है और बच्चियां तो ज्यादा इसी इंस्टीट्यूट में लड़कियां ही पढ़ते हैं। आज जिस देश में नई पीढ़ी की गर्ल्स स्टूडेंट, और ये सिर्फ भिप्स की कहानी नहीं है, इन दिनों में दुनिया में सबसे अच्छे पढ़ाई को स्टेम एजुकेशन कहा जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। दुनिया में स्टेम में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको अगर तथ्य बताऊं, भारत में जितने बच्चे स्टेम पढ़ते हैं उतने में 43% लड़कियां हैं, और ये लड़कियों की संख्या दुनिया की तुलना में अन्य देशों से सबसे ऊपर है। दैट मीन्स भारत की लड़कियां ऐसा कुछ काम नहीं है। अभी अभी इस बार 26 जनवरी में रिपब्लिक डे की परेड आपने देखा होगा, इस बार तो परेड को डोमिनेट भारत की लड़कियां ही किए थे। अरे भारत अभी अनस्टेपेबल है, भारत की बच्चियों की बच्चों की आंखों में दुनिया को पकड़ने की सपना आ चुका है। और ये सपना भारत में कोई कभी सपना दिखता है, ये कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। भारत की रूटेड बैकग्राउंड को देखो, भारत में सामाजिक चरित्र को देखो, भारत कभी अपने बारे में नहीं सोचा है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।